वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप हम ये बात तो करते हैं कि माइक्रोस्कोप हमारी हेल्प करती है इमेज को मैग्नीफाई करने में सो so, ये एक्चुअली मैग्नीफिकेशन होती क्या है मैग्नीफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी होती है कि वो एक इमेज को उसके एक्चुअल साइज से उससे रियल साइज से हमें कितना एनलार्ज करके दिखाती है ठीक है माइक्रोस्कोप के अंडर वो इमेज कितना बिगर शो होता है देन इट्स रियल लाइफ अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं इसको हम टोटल मैग्नीफिकेशन हम कैसे काउंट करेंगे ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय आई पीस मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफिकेशन जो होती है ना जो दो लेंजेज हैं हमारे पास उनकी प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस से अब ये डिस्टेंस कौन सा है जिसमें हमारा इमेज जो है ओवर विच द इमेज प्रोजेक्टेड ठीक हो गया रेजोल्यूशन क्या होती है रेजोल्यूशन ये एबिलिटी होती है माइक्रोस्कोप की कि एक इमेज है ना तो उसके दो पॉइंट्स को जो कि सेपरेट है उनको सेपरेट दिखा सके ठीक है उनको एक ऑब्जेक्ट शो ना करें अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लेस देन 200 नैनोमीटर अपार्ट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो लेस देन 200 नैनोमीटर है तो फिर माइक्रोस्कोप उनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाएगी लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर माइक्रोस्कोप जो है वो उनको एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट दिखाएगी सो ये बेसिकली क्या होता है रेजोल्यूशन एक ऐसी एबिलिटी होती है माइक्रोस्कोप की जो कि हमारी हेल्प करती है डिस्टिंग्विश कर सकें जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक इमेज में उनको सेपरेटली एज ए टू ऑब्जेक्ट्स ना के उनको हम कंसीडर करें कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ठीक है सो मैग्नीफिकेशन क्या था कि वो इमेज को एनलार्ज करके हमें दिखाती है माइक्रोस्कोप उस चीज को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन जबकि रेजोल्यूशन क्या है एबिलिटी है डिस्टिंग्विश करने की बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इमेज